हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की तीखी हार को लेकर अखिलेश यादव ने इशारों में तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें हरियाणा वाली गलती फिर से नहीं दोहरानी है। हरियाणा में हारी हुई पार्टी ने फायदा उठाकर सरकार बना ली। हरियाणा की गलती हमें नहीं दोहरानी है, हरियाणा में जो हारे हैं उन्हें गलती नहीं दोहरानी है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही होशियार पार्टी है, हरियाणा हारी हुई जगह पर उन्होंने सरकार बना ली, इसलिए हम लोगों को सावधान रह करके और अपने वोट को बचा के भी रखना है। क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं महाराष्ट्र की सरकार अगर नहीं बनी तो दिल्ली की सरकार चली जाएगी। तो महाराष्ट्र में प्रचार के लिए उतरे अखिलेश यादव ने कहा है कि महाराष्ट्र में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एमवीए से समाजवादी पार्टी ने 12 सीट की मांग की है। हमारे दो विधायक हैं, हम वो लोग हैं जो सम्मान की खातिर कम पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। दो विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था, बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी, जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, और बात एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी करीब 1400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संभावित कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी रिंग रोड स्थित शंकरा आई हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे, अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और करीब 1000 लोगों को संबोधित करेंगे। शंकरा नेत्र अस्पताल के शुरू होने से वाराणसी सहित पूर्वांचल और बिहार के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। पीएम मोदी बच्चों को भी तोहफा देने जा रहे हैं। ओवरब्रिज के नीचे खाली जमीन पर गेमिंग जोन बनाया जाएगा। 100 मीटर लंबा गेमिंग जोन बन गया है जिसमें बच्चे शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस खेल पाएंगे। सुविधाओं से लैस 100 मीटर का गेमिंग जोन है। बाबतपुर हवाई अड्डा टर्मिनल और अन्य हवाई अड्डा परियोजनाओं सहित पीएम मोदी को करीब 1400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करना है। सड़क मार्ग से सिगरा स्थित संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी ने इस स्टेडियम का उद्घाटन जुलाई 2023 को किया था। प्रधानमंत्री यहां पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। इस दौरान यातायात के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। वक्त वाराणसी के ककरमत्ता रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी के नीचे हूँ। पहले ये जो जगह थी यह अनुपयोगी थी, ये अवैध रूप से ईंट और बालू की यहाँ मंडी लगती थी और इस पर यह पुल बनाया गया जो रेलवे ओवर ब्रिज है। सामने आपको रेलवे लाइन नजर आ रही होगी जो बनारस रेलवे स्टेशन को जोड़ती है। अब इस अनुपयोगी जगह को कैसे उपयोगी बनाया गया है, खासतौर से बच्चों के लिए, ये योजना उसकी एक वानगी है। देश भर में जो आरओबी है उनके नीचे जो खाली जगह होती है वहाँ अतिक्रमण हटाकर कैसे उसको उपयोगी बनाया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाया गया है। मैं अब आपको उस गेमिंग जोन के अंदर ले चलता हूँ। ये वो तस्वीर है गेमिंग जोन की जो आप ये देखिए, ये यहाँ पर गेमिंग जोन बनाया गया है। ये पूरी तरीके से एयर कंडीशन है। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए तमाम सारे खेलों का इंतज़ाम किया गया है। ये 100 मीटर लंबा गेम जोन बनाया गया है जहाँ पर शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस जैसे इंडोर गेम खेलने की पूरी सुविधा दी गई है। पूरा ये निर्माण हो चुका है और इसमें फिनिशिंग का काम किया जा रहा है। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने इस काशी दौरे पर आएंगे तो तमाम सारी योजनाओं के तोहफे में एक तोहफा बच्चों के लिए ये गेमिंग जोन के रूप में भी शामिल होगा। मऊ के घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय पर केस दर्ज किया गया है। ईएनटी के डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सराय लखनसी थाने में केस दर्ज कराया है।
सांसद राजीव राय पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा है। दरअसल सांसद होने की हैसियत से राजीव राय अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान कुछ डॉक्टर्स को वहां मौजूद नहीं देखकर वो गुस्सा हो गए। वही मौजूद डॉक्टर से बाकी डॉक्टर्स के गायब होने की वजह पूछी। सांसद के निरीक्षण में 3 डॉक्टर मौजूद नहीं मिले थे, लिहाजा मौजूद डॉक्टर से पूछताछ करने पर दोनों में बहस हो गई और इसी बात को लेकर आधार बनाते हुए डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी ने सांसद के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। और एक बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप मामले में अपडेट आया है। प्रिंसिपल और हेडमिस्ट्रेट को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि सुबह से पेरेंट्स प्रदर्शन कर रहे थे, स्कूल में सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड को बदला जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा एक्शन इस मामले में देखने को मिल रहा है। नोएडा से बड़ी खबर, स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप का मामला है। आरोपियों को जमानत मिल जाने के बाद अभिभावक प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच प्रिंसिपल को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि पेरेंट्स का जो प्रदर्शन चल रहा था उसके मद्देनज़र अब यह एक्शन लिया गया है। और दूसरी तरफ स्कूल में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड को भी बदला जाएगा।